लिया है। तो चलिए आज भिंडी बनाते हैं। अगर मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं। आज बनाएंगे हम स्टफिंग वाली भिंडी। लेडीज़ फिंगर बोलते हैं, भिंडी भी बोलते हैं, भरमा भिंडी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एकदम फ्रेश भिंडी ले लिए हैं। अगर कोई भी सब्ज़ी बनाएं है आप, थोड़ा सा एकदम फ्रेश होना चाहिए और उसका बहुत स्वादिष्ट बनता है। और भिंडी तो कई तरह कई किस्म का बना लेते हैं। कड़ी भिंडी बनाइए, स्टफिंग बनाइए, प्याज वाली बनाइए। भिंडी खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, कैल्शियम भरपूर है इसमें। तो चलिए हम बड़े बड़े भिंडी जो है उन्हें तो एक जैसे चुन करके हम ले लिया। अभी पतीला में पानी डाल करके इन्हें 2 मिनट अच्छी तरह मसल के धो लेना है। फिर छान करके छन्नी में इन्हें सुखा देनी है, पंखों के नीचे सुखा देंगे तो फटाफट सूख जाएगी। और 2-3 बारी इसी तरह, ये देखिए कितना गंदगी निकल रहा है ना, इसको अच्छी तरह धो के हम सुखाते हैं अभी। चलिए हमने अच्छी तरह 4-5 बारी में धो लिया। ये देखिए एकदम क्लीन पानी है, तो इसका मतलब भिंडी अच्छी तरह धो लिया है। तो इन्हें अगर थोड़ा सा डाउट लगे तो थोड़ा 1 चम्मच नमक भी डाल करके आखिर पानी में अब अच्छी तरह धो सकते हैं, तो जो भी गंदगी है इसमें निकल जाएगी और अच्छी तरह क्लीन हो जाएगा। तो चलिए हम अभी इन्हें छान करके पंखों के नीचे 1 घंटा के लिए सुखा देते हैं, 1/2 घंटा 1 घंटा। मैंने भिंडी को छान करके रख लिया, 2 मिनट हो गया है। अभी न्यूज़पेपर नहीं तो ऐसे कपड़े, मलमल के कपड़ा है कोई भी कॉटन कपड़ा फैला के इसमें भी आप रख सकते हैं, नहीं तो न्यूज़पेपर में अच्छी तरह फैला दीजिएगा। 10-15 मिनट 1/2 घंटे में एकदम जो पानी है भिंडी जो अभी धोई हूँ ना, तो वो सूख करके एकदम रेडी हो जाएगा बनने के लिए। तो तब तक हम स्टफिंग का मसाला जो है वो तैयार करते हैं। सब लोग तो बना के खा लिए हैं, बनाते हैं कई वैरायटी का, लेकिन मैं थोड़ा अलग टाइप का बनाऊंगी। तो आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट तैयारी करते हैं। हम मसाला तैयार करते हैं स्टफिंग वाली भिंडी के लिए। तो हम पहले थोड़ा सा सौंफ को ले लिया, आप चाहे तो दरदरा सा कूट के भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा मसल के डालिएगा तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। तो चलिए हम अभी ऐड करेंगे 1 पिंच हींग, फिर ऐड करेंगे हम हल्दी की पाउडर, आधी स्पून छोटी आधी स्पून, और धनिया पाउडर हमको चाहिए थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि धनिया पाउडर जो है ये छोटी स्पून है, इसमें मैं आधी स्पून ली हल्दी पाउडर, और 3 स्पून लेंगे हम धनिया पाउडर। अगर आपके पास सौंफ पाउडर है तो डाल सकते हैं, कुछ भी आप चटपटा सा ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा मिर्च भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें 1 स्पून बराबर, छोटी स्पून है भरी नहीं थी, तो इसमें मिर्ची की पाउडर ऐड कर रही हूँ। बाकी हम डालेंगे छोटी 1 चम्मच गरम मसाला, भुना हुआ जीरा भी छोटी स्पून,
और आमचूर पाउडर भी 1 छोटी स्पून। अब मेन जो सामग्री है वो हम अभी ऐड करेंगे बेसन। बेसन में 4 छोटी चम्मच लिया। बाकी हम डालेंगे सादा नमक 1 स्पून, मेन जो मसाला है भिंडी का भरमा का, कोई भी चीज़ भरमा बनाइए आप, प्याज वाली बनाइए, अगर प्याज का भी मसाला करके आप भरमा बना सकते हैं प्याज टमाटर का। और छोटी 1 स्पून में काला नमक ऐड कर रही हूँ। तो इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर भुना हुआ बेसन आपके पास पड़ा है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप कच्चा बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बेसन आपके पास हो ना हो तो राइस आटा भी आप डाल सकते हैं इसमें। बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छी तरह जो मसाला है स्टफिंग करना, वो बाहर निकल के ना आए, इसलिए हम ऐसे प्रोसेस में बना रहे हैं। तो आप ज़रूर एक बार इसी तरह बना के खाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और बार बार भिंडी खाने का मन करेगा इसी तरह। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जो नए फ्रेंड्स है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करना ना भूले, ताकि नई नई रेसिपी जो बनाऊं मैं और आप उसका फ़ायदा उठा सके। देखिए बातों बातों में हमने मसाला को एकदम फर्स्ट क्लास तरह, ये देखिए, बाकी नमक ज़्यादा कम, मिर्ची ज़्यादा कम, आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। तो चलिए हम भिंडी, मेरा भिंडी जो है एकदम सूख गया है, देखिए आधा घंटा में कोई भी एकदम भी पानी भी नहीं है, और ज़्यादा भी मत सुखा देना क्योंकि फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे अभी, इन्हें काट करके इसी तरह, आप अगर किनारा कोई कोई रख लेते हैं नहीं काटते हैं तो डंठल काट के सिर्फ, और इनके अंदर जो है स्टफिंग के लिए थोड़ा थोड़ा ऐसे आप मसाला जो है स्टफिंग में आप डाल सकते हैं, और फिर इसको रखते जाइएगा क्योंकि अब काटने के बाद सोचेंगे मसाला भर लेंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। इस साथ साथ ही ये काम करते जाना है ताकि आपको ध्यान रहे किस में मसाला डाले और किस में नहीं डाले। तो चलिए हम इस तरह सारे भिंडी को काट करके मसाला डाल लेंगे, और इस तरह थोड़ा सा मैंने टमाटर प्याज वाला इसलिए बोला ताकि टमाटर प्याज वाला मसाला वाला भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, भिंडी भरमा बनाते हैं, मैं भी बनाऊंगी। तो इसी तरह आप टमाटर प्याज अदरक लहसुन को पेस्ट बना करके जैसे मसाला बनाते हैं हर सब्ज़ी में, तो इस तरह बस कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है, और उनमें मसाला पका के और ऐसे स्टफिंग में स्टफिंग करके फिर पका लेना है बस, और प्रोसेस सेम है। चलिए हम इसी तरह बना करके रख लेते हैं। फिर टेढ़े मेढ़े भिंडी मत ले क्योंकि, और अगर ले भी लें तो इसे अच्छी तरह इसे खोल के देख लीजिएगा, और कोई कोई आमचूर भी पसंद नहीं करते हैं तो उसकी जगह में आप नींबू इमली के पानी भी ये मसाला में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। ऑयल की ज़रूरत नहीं है मसाला में, क्योंकि कोई कोई लोग मसाला में ऑयल डाल देते हैं और फिर भिंडी जैसे कढ़ाई में डालें और मसाला और ऑयल वो निकाल के बाहर आ जाते हैं,
मैंने कई बार बना के भी देखा तो जैसे सही लगा वैसे बता रही हूँ मैं। फिर उसके बाद तो आपकी चॉइस है। तो चलिए बैंगन को भी इसी तरह काट करके बीच में इसी तरह फैला के देख लें ताकि कीड़े बीड़े ना हो। और भिंडी भी इसी तरह एकदम सेम प्रोसेस में देख लें इसी तरह ताकि कीड़े मकोड़े ना हो। तो टाइम लगता है लेकिन बहुत ही यामी बनता है, आप ज़रूर बना के खाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने स्टफिंग वाली भिंडी में मसाला एकदम डाल लिया। कोई कोई मसाला कम डालते हैं, मैं तो एकदम दबा के मसाला डालती हूँ इसमें। और जो हमारा मैंने जानबूझ के मसाला को बनाई थी ताकि थोड़ा सा ना ऊपर में जैसे भिंडी बनने के वक़्त नहीं डाले, एकदम आखिर में स्प्रिंकल कर दें तो और भी क्रिस्पी और अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा जानबूझ के बनाया मसाला को। तो अभी फ्राई कर लेंगे। बस काटने में धोने में भिंडी को टाइम लगती है, ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बनाने में 10 मिनट में आप इन्हें फ्राई कर लेंगे। और एकदम हरा भरा रखना है, 7 से 10 मिनट के अंदर पक जाना चाहिए। तो चलिए पैन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम सरसों की ऑयल गरम करने रख दिया है। अगर आप थोड़ा सा खुला ऑयल इसमें डालना ज़रूरी है, अगर आप ऑयल इतना पसंद नहीं करते हैं तो आप नॉन स्टिक वाले में भी बना सकते हैं 1 चम्मच ऑयल में। और हमको इसी तरह फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, कड़छियाँ नहीं चलाएंगे ज़्यादा क्योंकि मसाला निकल के बाहर आ जाएगा। और बेसन हमने इसीलिए बाइंडिंग के लिए डाल रखे हैं ताकि मसाला बाहर ना आए। तो हम 2 मिनट के लिए अब ढक देंगे ढक्कन। 2 मिनट हो गई है, अभी इन्हें हम आराम से इसी तरह, देखिए मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब परफेक्ट मसाला है और भिंडी भी परफेक्ट है। और हरा भरा रखना है हमें, ज़्यादा नहीं पकाना है। और 2 मिनट ढक देती हूँ मैं। हमने और एक बार भिंडी को चेक कर लिया ताकि, और 2 मिनट ढक दें। और जो मसाला मैंने बचा के रखा है, आप चाहे तो ऊपर में स्प्रिंकल कर सकते हैं, नहीं तो बचा के रख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आपका कुछ भरमा बनाया तो उसमें भी काम आ जाएगा। आपको पसंद है तो डाल सकते हैं। और फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखिएगा। पहले मैंने हाई रखा था, 2 मिनट हाई फ्लेम रखा था क्योंकि भिंडी भी कच्ची है ना, और एकदम से वो पानी छोड़ने लगता है, इसलिए पहले तेज़ आग रखिएगा और बाद में फ्लेम को मीडियम या तो स्लो करके इसे भूनिएगा ताकि भिंडी भी आपका जले ना और बहुत स्वादिष्ट बने। ये देखिए, भिंडी जो है बनके रेडी हो गई है। मैंने थोड़ा सा मसाला जो है स्प्रिंकल कर रही हूँ और थोड़ा बचा रही हूँ, बाद में नेक्स्ट टाइम हम यूज कर लेंगे। और इन्हें अभी एकदम बढ़िया सी बन गई है, देखिए मुँह में पानी आ रहा है ना देख के। तो आप भी बनाइएगा, खाइएगा और फैमिली को खुश कराइए इसी तरह, इसी मेथड में बना के। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छा रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।